पाकिस्तान पर तहरीक इंसाफ का पावर शो। चेयरमैन पीटे इमरान खान ने कहा इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कैसे मुलतवी कर सकता है, कहते हैं पैसे नहीं हैं, तो क्या अक्टूबर में मईशत बेहतर हो जाएगी। इनका वन पॉइंट एजेंडा है, इमरान खान इक्तदार में ना आ जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये नहीं कि इमरान खान के हाथ बांध दूँ। इमरान खान को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त नहीं होनी चाहिए थी। इनकी अमरीका से ऊपर ऊपर से लड़ाई है, अंदर अंदर से भाई हैं। वफाकी वज़ीर दाखला राना सनाउल्लाह का रद्द अमल कहा इमरान खान पहले अमरीकी लॉबी फर्मों से तो हकीकी आज़ादी हासिल कर लें, अमरीका से नहीं डरता है, अमरीका ने साजिश नहीं की तक झूठ ही झूठ बोला। वज़ीर दाखला पंजाब ने हुकूमत बलोचिस्तान से हसन नियासी की हवालगी की दरख्वास्त कर दी। मरासम में कहा गया हसन नियासी कत्ल के मुकदमे में मतलूब हैं। पीटीआई रहनुमा हसन नियासी को 3 MPO के तहत डिस्ट्रिक्ट जेल कोयटा से थाना सदर मुंतकिल किया गया था। लाहौर थाना मजंग पुलिस पार्टी हसन नियासी को तहवील में लेने के लिए कोयटा पहुँच गई। नवाबशाह एयरपोर्ट अचानक 2 माह के लिए फ्लाइट ऑपरेशन के लिए बंद, नोटिस जारी। सिविल एविएशन के मुताबिक एयरपोर्ट को जियो टेक्निकल स्टडी के बायस बंद रखने का फैसला किया गया। 23 मई तक सिर्फ हेलीकॉप्टर टेक ऑफ और लैंड कर सकेंगे। मुफ्त आटे की लाइनों में मौत बिकने लगी, मजीद 2 जिंदगियां चली गईं। भक्कर और मुजफ्फरगढ़ में आटा लेने वाले 2 अफराद जहां बहक। वजीर आला पंजाब का मुजफ्फरगढ़ में खातून की हलाकत का सख्ती से नोटिस। DC और DPO मुजफ्फरगढ़ को ओहदे से हटा दिया गया। रमजानुल मुबारक में 1 से ज़ायद उम्रा पर पाबंदी आयद, सऊदी वजारत हज का हुक्मनामा जारी। मकसद हर शख्स को उम्रा अदा करने का मौका देना है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आज 2रा T20 खेला जाएगा। अफगानिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बर्तरी हासिल।